दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दें कि NTA PG यानी कि CUET PG का रिजल्ट देख लिए होंगे और साथ ही साथ आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और आप लोग CUET PG के तहत आप लोग CUSB या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक होंगे और कब से आप लोग हर जगह सर्च कर करके थक गए होंगे कि कब हम लोगों का PG में एडमिशन होगा CUSB यानी कि सेंट्रल बिहार ऑफ केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया और महात्मा गांधी ये सब कॉलेज में आप लोग का एडमिशन कब से शुरू होगा PG के लिए। और आप लोग जान रहे होंगे कि UG का एडमिशन ऑलरेडी CUSB में विदाउट कटअप जारी किए हुए एडमिशन चल रहा है। तो चलिए आप लोग को मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों का कब लिंक एक्टिवेट होगा CUSB PG एडमिशन 2023। तो चलिए आप लोग एक छोटा सा पेपर आर्टिकल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और आप लोग को समझाएंगे कि कब से आप लोगों का CUSB PG में एडमिशन लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में होगा बेल आइकन उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी आप लोग को अपडेट करें आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज का पेपर आर्टिकल है जिसमें कि साफ साफ दिया गया NTA के वेबसाइट पर आप लोग का CUET PG का रिजल्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है और साथ साथ इन सभी लोगों का आप लोगों का स्कोर कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू कर दिया गया है। अब बात करेंगे CUET PG का रिजल्ट जारी अब CUSB यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में होगा नामांकन कब से होगा उसकी पूरी जानकारी आप लोग को देते हैं। जानकारी देने से पहले आप लोग को बता दें कितने छात्र एवं छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो सेंट्रल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET PG का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख लिए होंगे और साथ ही साथ फेज़ वन में 8.3 लाख और फेज़ टू में 46,000 छात्र एवं छात्राओं ने कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT टेस्ट दिया था जिसमें कि टोटल 197 सेंट्रल स्टेट प्राइवेट व दूसरे विश्वविद्यालय इस परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर एडमिशन लेती है PG में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि PG में नामांकन की प्रक्रिया चलाएंगे। छात्र एवं छात्राओं का 4,597 कोर्स के लिए एंट्रेंस दिया था जिसमें कि 279 शहरों में परीक्षा हुई थी। लगभग 4,59,083 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे। राज्य में साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में PG में नामांकन होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। छात्रों का रिजल्ट संबंधित विश्वविद्यालय से शेयर किया गया जहां के लिए उन्होंने आवेदन किया था। तो सिंपल आप लोगों का 2 से 3 दिनों के अंदर ही आप लोगों का CUSB का PG एडमिशन का लिंक एक्टिवेट होगा। वैसे ही आप लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट करूंगा कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताएंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।